हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान के प्रमुख आर्टिकल्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक सीरीज चालू की थी माँ मैराथन क्लास की। उस मैराथन क्लास में हम एक से लेकर और 395 यानी 395 आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक क्विक रिवीजन की कोशिश है। पहला एपिसोड था, उसके अंदर आर्टिकल एक से लेके और 78 तक चर्चा की गई थी। यानी हम चल रहे थे भाग 5 में। हम भाग 1, भाग 2, 3, 4 और 5, 5 में अध्याय 1 ये कंप्लीट कर चुके थे। जैसा कि आप सबको पता है, मैं एक बार पुनः रिवाइज करना चाहूँगा कि भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र था, जिसके अंदर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक थे। वहीं जो नेक्स्ट भाग था 2, वो नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं उसके अंदर, और वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हैं। भाग 3 सबसे चर्चित और इम्पोर्टेंट है। उसमें मूल अधिकार आते हैं और मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। उसके बाद में आता है भाग 4। भाग 4 में नीति के निदेशक तत्व थे। उसमें आर्टिकल हैं 36 से लेकर और 51 तक, और एक नया जो भाग जोड़ा गया था 4 क, जिसके अंदर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 11, वो आर्टिकल 51 क में जोड़े गए थे। उसके बाद में आता है भाग 5, जिसके अंदर हमारी सरकार आती है, और सरकार में सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर उनकी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल आती हैं, प्राइम मिनिस्टर और महान्यायवादी। तो ये है चैप्टर 1, जो शुरू होता है 52 से लेकर और 78 तक। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आज आप देख सकते हैं, ये जो भाग हैं वो हैं भाग 5 और इसका अध्याय है 2। अध्याय 2 में सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है 79, और 79 संसद के गठन का प्रावधान करता है। यानी भारत सरकार को चलाने के लिए एक संसद का गठन किया जाएगा। इसका प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो वो आर्टिकल है 79। अब संसद के अंदर क्या शामिल हैं? तो संसद में राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों शामिल हैं। राज्यसभा का जो गठन किया जाता है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 80 के तहत किया जाता है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 ये प्रावधान करता है कि एक उच्च सदन यानी राज्यसभा होगी, और जिसके जो मेंबर हैं 245 मेंबर्स हैं अभी राज्यसभा में, उच्च सदन है। और राज्यसभा उच्च सदन है, इसके सभापति पदेन उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन सभापति। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। इसका प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, और ये इसके रोटेशन में चलते रहते हैं। हर 6 वर्ष के कार्यकाल के बाद एक सदस्य कार्यकाल पूरा होने के बाद वहाँ से सेवानिवृत्त हो जाते हैं एक तरह से, और उसकी जगह नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इनका जो चुनाव है वो राज्य विधानमंडल के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक राज्य से अलग अलग प्रतिनिधित्व हैं उनकी जनसंख्या के प्रपोर्शन में। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधित्व हैं वो यूपी से हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है 81। अभी हाल ही में लोकसभा के आम चुनाव चल रहे हैं, आप सबको पता है। तो लोकसभा के जो आम चुनाव है वो आम चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आ सकता है। लोकसभा के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका निर्वाचन किया जाता है प्रत्येक राज्य से, और ये प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा मेंबर का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। यानी राज्यसभा मेंबर को जनता सीधा नहीं चुनती है, जबकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। वहीं लोकसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं उनको जनता सीधा चुनती है, और ये लोग ही जो सरकार का गठन किया जाता है बहुमत के आधार पर, वो इन्हीं सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। इसमें 543 सीटें हैं वर्तमान में, जिस पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। 4
43, दो सीट नॉमिनेशन की थी, 445, इस प्रकार टोटल सीट्स हैं। अब जो आर्टिकल है 82, वो प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, जो सीट्स हैं लोकसभा की उनका जो परिसीमन किया जाता है वो परिसीमन इसी आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 82, कि जो प्रत्येक जनगणना होती है हर 10 वर्ष के बाद, उसके बाद इन सीटों का परिसीमन किया जाता है कि जो जनसंख्या है वो बढ़ती है, उसके आधार पर प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र का रिव्यू किया जाता है, वो इसी आर्टिकल के तहत किया जाता है 82 के तहत। तो जो परिसीमन संबंधी प्रावधान है, आपको पता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 83, संसद के सदनों की अवधि। तो राज्यसभा, आपको पता है कि परमानेंट एक सदन है, उच्च सदन है, इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती, परंतु जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, एक टेन्योर और 5 साल वही लोकसभा का कार्यकाल है, वो सरकार का कार्यकाल होता है। ये सरकार का कार्यकाल एक्चुअल में विश्वास मत पर डिपेंड करता है, जब तक आपके पास बहुमत है तब तक आपकी सरकार है। तो इस प्रकार जो आर्टिकल 83 है वो सदन के दोनों सदनों की जो अवधि है उसको बताता है। 84, संसद के सदस्यता के लिए अर्हता, यानी जो संसद के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसका प्रावधान 84 में किया गया है। आर्टिकल 84 ये एमपीज के लिए जो कंपलसरी शर्तें हैं, योग्यताएं हैं, वो सब हैं। 85 में संसद के सत्र का सत्रावसान और विघटन होता है, तो आप सबको पता है कि संसद का जो सत्र है उसको बुलाना, उसका सत्रावसान करना, उसका विघटन करना, ये सब कार्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में दिए गए हैं। तो इस प्रकार 85 भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, परंतु जो नेक्स्ट आर्टिकल है 86, ये कई बार आरपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि सदनों में जो अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। अब इसमें देखो दो तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहला, एक तो जब नई संसद का निर्वाचन होता है, लोकसभा का सॉरी, जब नई लोकसभा की पहली बैठक होती है तो उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। एक्चुअल में अभिभाषण में किसी भी सरकार का विजन होता है कि वो किस प्रकार से काम करेंगे, वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में, और राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयारी उनके द्वारा ही किया जाता है जो नई सरकार होती है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है और जो संदेश भेजने का जो अधिकार है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया है। जो आर्टिकल 86 में संदेश और अभिभाषण भेजे जाते हैं ये राष्ट्रपति का अधिकार है, इट मीन्स इट इज ए राइट ऑफ प्रेसिडेंट। फिर राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत, यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 87 है वो 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। उसके बाद में आता है आर्टिकल 88, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, संसद के अधिकारी। अब जो लोकसभा और राज्यसभा दो सदन हैं संसद के, उन सदनों में मंत्रियों और महान्यायवादी या संसद के अधिकारी के क्या अधिकार हैं, यानी महान्यायवादी आपको पता है कि ये बैठकों में भाग लेता है परंतु वोटिंग नहीं करता है, यानी इसको बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, उसी प्रकार मंत्रियों को भी बैठक में भाग लेने का अधिकार है। तो ये जो महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में कार्यवाही बैठक में भाग लेने का जो अधिकार है वो 88 के तहत ही मिला हुआ है। 89 जो आर्टिकल है 89, वो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, उसके बारे में प्रावधान करता है। तो आपको पता है कि राज्यसभा का सभापति है वो पदेन होता है, उपराष्ट्रपति पदेन, सभापति राज्यसभा का होता है आर्टिकल 89 के तहत। ये है आर्टिकल 89 जिसमें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला जो आर्टिकल है इसका वो है 90, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना।
यानी उपसभापति का पद अगर रिक्त होता है या पद त्याग कर देता है या उसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है, इसके संबंध में प्रावधान किया जाता है। उपसभापति का निर्वाचन किया जाता है उसके सदस्यों में से ही, ये बहुमत के आधार पर किया जाता है। जो सभापति होते हैं उसके पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति, यानी जब कभी भी उपराष्ट्रपति कई बार हो तो उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति का कार्य या उनके कर्तव्यों का पालन करता है, तो उससे संबंधित जो शक्तियाँ हैं जितनी भी, वो सारी शक्तियाँ आर्टिकल 91 में दी गई हैं, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 91 सभापति पद के कर्तव्यों का पालन, सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति, इसकी जानकारी कौन सा आर्टिकल देता है, तो वो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 91। नेक्स्ट आर्टिकल है आपके सामने 92। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पिटासीन न माना, यानी सभापति या उपसभापति के खिलाफ में कोई ऐसा संकल्प है जो उनको पद से हटाने के लिए रखा गया है, तो ये दोनों ही व्यक्ति चेयर पे पिटासीन नहीं बनेंगे, यानी वो निर्णयकर्ता नहीं बनेंगे, फिर पिटासीन कोई दूसरा व्यक्ति बनेगा, क्योंकि इन दोनों ही व्यक्तियों में से किसी के भी खिलाफ ऐसा कोई संकल्प रखा गया है तो ये पिटासीन नहीं हो सकते। ये हैं कौन कहता है, आर्टिकल 92 कहता है इसके बारे में। और अगला जो आर्टिकल है 93, ये लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अब आप इसमें देख लीजिए, पहले राज्यसभा आती है, अगर गठन में ही जब 79 में संसद आती है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा है, तो वैसे ही सभापति 89 में राज्यसभा के उपसभापति आते हैं, फिर 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रावधान हैं। कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की होती हैं जो अपने को ये समझने का होता है कि ये जो आर्टिकल्स का क्रम है, क्योंकि तो एक्चुअल में क्या है कि ये आर्टिकल हम कैसे याद कर सकते हैं, तो इसको आपको टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर आप चाहें कि 395 एक साथ याद हो तो ये थोड़ा कठिन होता है, पर आप जैसे इनको 22 भागों में तोड़ लेंगे तो आप इनको पार्ट वाइज डिवाइड कर लें, फिर आपको 22 भाग अगर याद हो गए कि भाई, यानी भाग एक के अंदर संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, दो के अंदर नागरिकता है, तीन के अंदर मूल अधिकार हैं, चार के अंदर नीतिक निर्देशक तत्व हैं, चार कर्म मौलिक कर्तव्य हैं, पांच के अंदर यानी संघ की सरकार है, तो फिर आपको आर्टिकल को ढूंढने में, उसको सही करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई आर्टिकल है तो वो 52 से लेकर 62 तक है, फिर उसके बाद में उसका जो आर्टिकल है वो 72 है, जैसे सजा माफ करने वाला, तो इस प्रकार से टुकड़ों में ये आर्टिकल्स याद हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, 93 ये कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, तो सदन में से ही की जाती है, जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो शपथ दिलाता है, जो नई लोकसभा होती है वो वरिष्ठतम सदस्य होता है उस लोकसभा का, फिर प्रोटेम स्पीकर के शपथ दिलाने के बाद स्पीकर का चयन किया जाता है, स्पीकर का चयन वही है बहुमत के आधार पर किया जाता है, तो जो सरकार होती है उसी में से कोई व्यक्ति स्पीकर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 94, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर पद त्याग और पद से हटाया जाना। अब आप देखिए, जब 89 में राज्यसभा सभापति उपसभापति है, 90 के अंदर उनका पद रिक्त होने पर कौन उनका पदभार ग्रहण कर सकता है उसके संबंधित प्रावधान है, ये उसी सीक्वेंस में चलता है, जैसे 93 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, 94 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पद त्याग पद से हटाया जाना, फिर 94 के बाद में 95 यानी अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की शक्तियाँ, ये उसी क्रम में आर्टिकल आते हैं। तो आपको जैसे 89, 90, 91, 92 याद हो गए तो आपको 93, 94, 95 और 96 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आर्टिकल याद करने का यही तरीका है, क्योंकि ये एक फैक्चुअल चीज़ है और जब हम फैक्चुअल डेटा को याद करते हैं तो आपको पता है कि इनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, और मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही है कि मैं आपकी ये आर्टिकल रिवाइज करवाऊँ, ताकि यानी जो एग्ज़ाम में अगर 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कम से कम आप ये मान के चलें कि 5 क्वेश्चन आर्टिकल पे पूछे जाएंगे, वो 5 प्रश्न आपके गलत नहीं हो। वैसे तो पूरा संविधान ही कवर होता है,
भारत के संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन 395 आर्टिकल में से बनना है, पर वो जो डिटेल हैं वो बाद में हम पढ़ेंगे वन बाय वन 395। यानी फिर हम क्या करेंगे कि एक आर्टिकल पे एक वीडियो बनाएंगे 10 से 15 मिनट का, और उस 10 से 15 मिनट में हम प्रत्येक आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 96, जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो ठीक वैसे ही जैसे सभापति उपसभापति पीठासीन नहीं होते हैं, वैसे ही ये भी पीठासीन नहीं होते हैं 96 में। 97 में सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, यानी चारों के वेतन भत्ते किसमें हैं, 97 में है। 98 में संसद का सचिवालय है और कार्य संचालन से संबंधित जो नियम है वो है 99 में, सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, ये इम्पोर्टेंट है। जो आर्टिकल 99 है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आर्टिकल है 99, आर्टिकल 99 में सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान किया जाता है। जो पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है संसद सदस्यों द्वारा, वो शपथ 99 के तहत ली जाती है। और यहाँ पे ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक तो पहली बात तो ये है कि शपथ किसकी ली जाती है, दूसरी बात ये है कि ये कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान है। फिर आता है आर्टिकल 100, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, यहाँ जो कोरम है 1/10 का, जो कोरम होता है वो 1/10 का कोरम आर्टिकल 100 के अंदर है। तो कार्य संचालन से संबंधित तो दो नियम हैं, दो आर्टिकल हैं, दो आर्टिकल कौन कौन से हैं, आर्टिकल 99 और आर्टिकल 100। उसके बाद में आता है सदस्यों की निरताएं, अगेन इम्पोर्टेंट है। आपको अगर याद हो, अगर किसी ने आरएस मेंस का एग्जाम दिया है तो ये आर्टिकल पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि इसमें क्या भूमिका रहती है निर्वाचन आयोग की। जो आर्टिकल्स हैं 103, सदस्यों की निरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, यानी इनको कौन डिसाइड करेगा, कौन क्वालिफाई है कौन डिसक्वालिफाई है, ये सारी चीज डिसाइड करने का जो अधिकार है वो निर्वाचन आयोग को दिया गया है। इसमें सबसे पहले है आर्टिकल 101, स्थानों का रिक्त होना, यानी कोई भी स्थान है जो लोकसभा राज्यसभा का उसका रिक्त होता है तो क्या प्रोसेस अपनाई जाती है। फिर 102, सदस्यों तो सदस्यता के लिए निरता, यानी एक लोकसभा का मेंबर बनने के लिए या राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए किसी व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो आर्टिकल है, वो आर्टिकल 102 है। अगला आर्टिकल है आपका 103, और 103 सदस्यों की निरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, अगर कोई ऐसा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति योग्य है या निरोग्य है इसके ऊपर किसी को डिसाइड करना है तो वो है आर्टिकल 103। उसके बाद में आता है आर्टिकल 104, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए भी निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां। तो जो विशेषाधिकार हैं वो आर्टिकल 104 में दिए गए हैं। 104 भी अगेंस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसके अंदर जो शपथ है या प्रतिज्ञा है वो करने से या अर्हित न होते हुए भी निर्हित किए जाने पर बैठने या मत देने के लिए शास्ति, संसद के सदस्यों के संबंधित ये सारे प्रावधान आर्टिकल 104 में दिए गए हैं। आर्टिकल 105, संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार आदि, यानी जो विशेष अधिकार हैं संसद के सदनों का, उनके सदस्यों का, समितियों का, ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 105। अगला आर्टिकल आता है दोस्तों 106, सदस्यों के वेतन भत्ते, ये है आर्टिकल 106 में, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। ये जो कितना वेतन मिलेगा संसद सदस्यों को या राज्यसभा मेंबर्स को, ये 106 के तहत डिसाइड किया जाता है। फिर आता है विदाई प्रक्रिया,
कार्य संचालन आ गए, सदस्यों से संबंधित तो नियम आ गए, फिर आती है विधायी प्रक्रिया। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट आर्टिकल शुरू होते हैं। पहला जो आर्टिकल है 107, विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपपद, यानी अगर सदन में कोई विधेयक है उसको स्थापित करना है, प्रस्तावित करना है, तो कौन करेगा, कौन कौन कर सकता है, किस प्रकार के विधेयक होते हैं और उनको पारित किए जाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये जानकारी देता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 107। फिर होता है 108, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। एग्जाम में एक बार दो बार नहीं, कई बार पूछा गया है कि जो सदन की संयुक्त बैठक है वो बैठक कौन से आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है, तो वो बुलाई जाती है 108 के तहत, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। उसके बाद में है आर्टिकल 109, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यानी जो मनी बिल होता है उसके संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है वो कौन सा आर्टिकल बताता है, वो आर्टिकल बताता है 109। उसके बाद में आता है धन विधेयक। अब धन विधेयक की परिभाषा देखो, धन विधेयक की परिभाषा देने का जो अधिकार है वो है लोकसभा अध्यक्ष के पास, यानी लोकसभा का अध्यक्ष तो ये निर्धारित करता है कौन सा विधेयक धन विधेयक है कौन सा नहीं है। ये प्रावधान है आर्टिकल नंबर 110 में, ये इम्पोर्टेंट है धन विधेयक। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। फिर विधेयकों पर अनुमति 111 में है। फिर वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। अब वार्षिक वित्तीय विवरण, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 112। आपको पता है कि 1 फरवरी को जो भारत सरकार में वित्त मंत्री होते हैं वो बजट लेकर आते हैं सरकार का। अब यहाँ पे सबसे स्पेशल बात क्या है कि जो बजट, जिसको हम बजट कहते हैं, अपने संविधान में बजट नाम का कहीं उल्लेख नहीं है, उस बजट को क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम दिया गया है बजट को, यही बजट है। ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये वार्षिक वित्तीय विवरण ही वित्त मंत्री सदन में रखता है लोकसभा में, इसी को बजट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में बजट का प्रावधान किया गया है, तो बजट का प्रावधान आर्टिकल 112 में किया गया है। फिर 113 में संसद में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया, जो प्राकलन होते हैं उनके संबंध में प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है, वो आर्टिकल है 113। 114 है विनियोग विधेयक, मैंने आपको पहले ही बताया था कि धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल आप इतना जान लीजिए कि 112 के अंदर बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण, और 114 के अंदर विनियोग विधेयक है, 110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा है। अब नेक्स्ट है वो कौन सा आर्टिकल है, और नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 115, अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान, यानी जो सप्लीमेंट्री एडिशनल ग्रांट होता है वो 115 में लिया जाता है। अगर कोई स्कीम से उसके लिए कोई बजट पारित किया गया है और वो एक साल के लिए पारित किया परंतु वो दिसंबर में ख़त्म हो गया, अब जनवरी के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है उस स्कीम को रन करने के लिए, तो उसके लिए अनुपूरक या अतिरिक्त बजट चाहिए, जो पैसा चाहिए होता है उसको अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान कहते हैं। ये आर्टिकल है 115 आपका, ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 115। तो दोस्तों हम 79 से 115 तक पहुंच चुके हैं। अगला आर्टिकल है 116, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। देखो जब बजट पारित किया जाता है तो उससे पहले बजट पर बहस होती है, बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। अब आप देखिए कि बजट पर चर्चा होगी, बहस होगी, फिर उसको बाद में पारित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया के दौरान सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए सरकार को, तो सरकार क्या करती है, लेखानुदान जो मांगे होती हैं वो रखती है कि अग्रिम धन, यानी जब तक बजट पारित नहीं हो तब तक सरकार का खर्चा चलाने के लिए लेखानुदान
मांगे प्रत्यानुदान या अपवादा अनुदान मांगे कौन से आर्टिकल में रखी जाती हैं, तो आर्टिकल हैं 116। ये दोनों आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, 116 और 115, क्योंकि ये जो अनुदान है ये क्या है, ये बजट पारित करने के बाद मांगा जाता है, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवादा अनुदान, ये 116 बजट पारित करने से पहले मांगा जाता है। 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध करता है। तीनों बिल आगे आपने देखा 110 के अंदर धन विधेयक है, फिर 114 के अंदर विनियोग विधेयक है और 117 के अंदर वित्त विधेयक है। तो हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, इस पर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ये केवल रिवीजन के लिए, जिन लोगों ने संविधान को थोड़ा बहुत पढ़ा है उन लोगों को रिवाइज करवाने के लिए ये एक मैराथन क्लास रखी गई है। इसके अलग अलग पार्ट हैं। पहला पार्ट मैंने बनाया है, उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 78 तक का वीडियो है, 79 से लेकर हम अभी निरंतर चल रहे हैं। तो वित्त विधेयक से संबंधित तो कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान में, तो वो आर्टिकल है आपका 117। फिर आता है साधारणतया प्रक्रिया। अब देखो वित्त के संबंध में जो आर्टिकल है, यानी फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं, वो 112 से लेकर 117 तक इम्पोर्टेंट है, 111, 110 ये धन विधेयक से संबंधित है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 110 से ये फाइनेंस से संबंधित सारी प्रक्रियाएं हैं। फिर आता है 118, इसके अंदर प्रक्रिया के नियम हैं। 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, यानी जो फाइनेंशियल प्रोसीजर अपनाई जाती है सदन में, उसका जो प्रावधान किया गया वो है आर्टिकल नंबर आपका 119। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अगेन इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यानी संसद में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाएगा, ये आर्टिकल है 120। आगे हम जब पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाएगा इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, कौन सा आर्टिकल है, संसद के अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो ये आपका जो आर्टिकल है वो है 120। 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन, यानी जो चर्चा की जाती है उसके ऊपर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, अगेन इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, याद रखने योग्य बात है कि संसद की जो कार्यवाही होती है उसके अंदर न्यायालय जांच नहीं कर सकता, यानी पार्लियामेंट में कोई कार्यवाही हुई है, कोई चीज़ बोली गई है, उससे संबंधित किसी भी प्रकरण में जांच नहीं कर सकता है न्यायालय। तो हमारा अध्याय 2 पूरा हो चुका है। तीसरा अध्याय है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। देखिए राष्ट्रपति 52 से लेकर 65 तक हैं, 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति हैं, 70, 71 और 72 इसमें जो प्रावधान किए गए हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित और जो सजा माफ करने संबंधित प्रावधान हैं वो किए गए हैं। उसके बाद में जब राष्ट्रपति का देखिए नाम आता है, एक अभिभाषण में आता है, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है संसद में, संदेश भेजने का जो अधिकार है वो आर्टिकल, उसके बाद में ये आर्टिकल आता है 1, 2, 3। ये आर्टिकल सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा आपको पता है, तो पिछली सरकार के जो 2 टेन्योर रहे हैं इसमें इस आर्टिकल की बहुत ज़्यादा चर्चा रही है, और जो 3 किसान कानून पारित किए गए थे आप सबको याद होगा वो इसी आर्टिकल के तहत पारित किए गए थे, पहले संसद में जब संसद का सत्र नहीं था तो अध्यादेश लाए गए थे, और ये जो अध्यादेश है ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है संसद के अंदर, जो व्यवस्था दी गई है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में, यानी जब सदन सत्र में नहीं हो लोकसभा का और ऐसा लगे सरकार को कि कोई कानून है जो पारित करना अत्यंत आवश्यक है, तो राष्ट्रपति को ये विधायी शक्ति प्रदान की गई है कि वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से यानी अध्यादेश के माध्यम से एक आदेश निकालेगा और वो आदेश ही कानून माना जाएगा, पर ये 6 माह तक ही लागू रहता है। उसके पश्चात जैसे ही बैठक, जो नेक्स्ट बैठक है सदन की, उस बैठक में 42 दिन के भीतर भीतर इसको पारित कराना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा ये जो कानून है वो निरस्त माना जाता है। 123 आर्टिकल 1, 2, 3 ये हैं ऑर्डिनेंस से संबंधित, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित इम्पोर्टेंट आर्टिकल है,
एक बार नहीं सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है, आप आंख मूंद के इसको याद कर लीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हर एग्जाम में, चाहे कॉन्स्टेबल का एग्जाम हो, यूजीसी नेट जेआरएफ हो, स्कूल लेक्चर हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, आरएस हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम भी क्यों ना हो। इन तमाम कंपटीशन एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो जो अध्याय 3 है वो केवल राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित है। अध्याय 2 में संसद से संबंधित सारे नियम कानून प्रक्रियाएं वो सारा था। अध्याय 1 के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सब थे। अब जो संघीय सरकार है उसका अध्याय 4 है संघ की न्यायपालिका। अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 1-4, माननीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसका गठन, यानी जो उच्चतम न्यायालय का उसकी स्थापना की जाती है, जो गठन किया जाता है, वो यही आर्टिकल है 1-4। 1-4 क में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, आपको पता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को नल एंड वॉइड घोषित किया था जो संविधान संशोधन था 99वां, उसमें जो जजों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है उसको जोड़ा गया था। बाद में इसको हटा दिया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को। आयोग के कृत्य ये 124 क में थे। घ में विधि बनाने की संसद की शक्ति 125 में न्यायाधीशों के वेतन है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कितना वेतन मिलेगा ये प्रावधान 125 में किया जाता है। अगेन जो आर्टिकल है 1-6, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति आर्टिकल 126 में की जाती है। और तदर्थ न्यायाधीश, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तदर्थ एडोक जो न्यायाधीश हैं, जस्टिस हैं, उनकी नियुक्ति 127 में की जाती है। 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में 7-8 न्यायाधीशों की उपस्थिति, यानी जो रिटायर्ड जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में भाग ले सकते हैं, तो वो आर्टिकल है 1-8। 1-9 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, यानी जो कोई भी कानून पारित किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आदेश जो पारित किए जाते हैं वो कानून का रूप ले लेते हैं, यानी वो रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट अपने आप में अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। 130, 130 सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है उच्चतम न्यायालय का न्यू दिल्ली, वो 130 में है। 131 यानी उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, यानी उच्चतम न्यायालय में कौन कौन से प्रकरण सुने जाएंगे, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, वो प्रारंभिक अधिकारिता है, वो 31 में है। 31 क में केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता, इसको हटा दिया गया है, इसका लोप कर दिया गया है। अगला आर्टिकल है 1-2-3, 1-3-2 सॉरी 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, यानी हाईकोर्ट में अगर कोई डिसीजन दिया गया है तो कोई व्यक्ति उस डिसीजन से अगर संतुष्ट नहीं है तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। किन किन मामलों में वो अपील कर सकता है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं अनुच्छेद 132 के अंदर। आर्टिकल 133 कहता है कि उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, यानी 132 में कुछ मामलों में, यानी वो स्पेशल केसेज है, और 133 में जो सिविल सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सिविल मैटर हैं उनके संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट अथॉरिटी है उसका प्रावधान 133 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, ये अधिकारिता से संबंधित आर्टिकल 134 उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना, ठीक है। 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई आदेश जारी करता है तो उसको री एग्जामिन कर सकता है वो,
पुनर्विलोकन कर सकता है। वो शक्ति जो सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है वो है 137 के तहत। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 137। 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है उसमें वृद्धि की जा सकती है, इसका प्रावधान 138 में है। 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, यानी सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट्स जारी कर सकता है। वो रिट जारी करने की जो शक्ति है उसका प्रावधान 139 में किया गया है। 139 क कुछ मामलों का अंतरण और 140 उच्चतम न्यायालयों की आनुषंगिक शक्तियाँ, ये अगेन इम्पोर्टेंट है। और जो 140 है आनुषंगिक शक्तियाँ हैं वो 140 में दी गई हैं, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना, यानी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है तो वो सभी जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब पे अप्लाई होगा, उनको मानना होगा, यानी वो बाध्यकारी हैं। 142 उच्चतम न्यायालय की डिग्रियों और आदेशों का प्रवर्तन, प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 142 के बाद में 143 है, वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति को अगर ऐसी कोई कानूनी सलाह लेनी हो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों से तो वो आर्टिकल है 143 के तहत राष्ट्रपति माननीय कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों से सलाह मशवरा कर सकते हैं किसी मामले में। 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, यानी जो सिविल और न्यायिक प्राधिकारी हैं वो उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। 144 क इसका लॉक कर दिया गया है, ये विधियों की सामिधिकता वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में था, स्पेशल उपबंध किए गए थे इसके तहत। 145 न्यायालय के नियम आदि 145 में है। 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी सेवक तथा, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ है वो सारा 146 में है और 147 निर्वचन। अब एक नेक्स्ट चैप्टर है, अगला अध्याय है, वो है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG। इससे संबंधित चार आर्टिकल हैं, इनको देख लेते हैं हम। 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 148 में। 149 आर्टिकल 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित प्रावधान करता है। और जो आर्टिकल 150 वो संघ के और राज्यों के लेखों का प्रारूप, यानी किस प्रारूप में लेख तैयार किए जाएंगे संघ और राज्य के, उनके बारे में प्रावधान करता है। 151 में संपरीक्षा प्रतिवेदन, यानी जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ये एक रिपोर्ट जो CAG की रिपोर्ट है राष्ट्रपति सदन में रखता है, वो रिपोर्ट रखी जाती है संसद में। तो हमने पढ़े हैं आर्टिकल नंबर 79 से लेकर और 151, ये आपका एक पूरा अध्याय था जिसमें भाग पाँच का अध्याय 1 अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद 2 से लेकर 5 तक के ये अध्याय हैं जो आर्टिकल 79 से लेकर 151 तक, ये अपन ने रिवाइज किए हैं, जिसके अंदर सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का संदेश भेजने का अधिकार, और आपका परिसीमन से संबंधित प्रावधान 82 में चाहे, उसके साथ ही सदस्यों की निर्भरता, योग्यताएं और उनकी शपथ, उनके वेतन, भत्ते, संयुक्त बैठक लोकसभा की किया जाना, और धन विधेय की परिभाषा, वार्षिक वित्तीय विवरण, आपका लेखानुदान, प्रत्यानुदान, और जो अनुपूरक अनुदान हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा।
राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में अपन ने पढ़ा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, कौन से आर्टिकल में अभिलेख न्यायालय के अधिकार हैं, या कैसे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में की जाती है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह लेता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी सेवक होते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं, उनकी क्या वेतन भत्ते होते हैं, और भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है वो कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान के किन किन आर्टिकलों में किया गया है, इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा की। चूँकि भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है और ये काफ़ी बड़ा है, ये आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक था, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लगभग लगभग 99 आर्टिकल हैं, 100 आर्टिकल सॉरी, क्योंकि 52 से शुरू होता है, यानी 52 से लेकर 151 तक 100 आर्टिकल थे। इन 100 आर्टिकल में से अपन ने आज 79 से पढ़े हैं, 79 से यानी 21 और 51, लगभग 72 आर्टिकल आज अपन ने रिवाइज किए हैं। देखो ये एक पूरी सीरीज है मैराथन क्लास की, मेरा पूरा प्रयास है कि एग्ज़ाम से पहले मैं 395 आर्टिकल आपको याद करवाने का प्रयास करूँगा, और इन 395 आर्टिकल में से आप मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चंस सीधा सीधा पूछे जाते हैं। डिटेल में जब हम इनको पढ़ेंगे, पूरे संविधान को पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल पे डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि देखो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में किसी को नुकसान नहीं है, किसी व्यक्ति का अगर फ़ायदा होता है तो होना चाहिए। हमें उपयोगितावाद के सिद्धांत पर काम करना है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, क्योंकि मैं खुद पहले से सरकारी सेवा में हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, परंतु मैंने ये महसूस किया कि मैं स्वयं एक क्लेरिकल सेवा में हूँ, यानी मैं LDC हूँ, ये सारा जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है ये मेरी सरकारी नौकरी में कहीं काम नहीं आता है, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो मैंने अपने एकेडमिक में हासिल किया है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसका कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। चूँकि मैंने लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान में NET JRF किया है तो उसका कहीं ना कहीं उपयोग हो, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि मैं अपने ज्ञान को लोगों तक पहुँचाऊँ, प्रयास करूँ। तो मुझे पता है कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाखों वीडियो हैं और हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं, बनाने वाले खूब हैं, देखने वाले भी खूब हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आपका ये कीमती समय आपके जीवन में ये ज्ञान जो आपने अर्जित किया है कहीं ना कहीं आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भागीदार बनेगा। आज के लिए इतना ही, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया एक बार पुनः, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा अगले वीडियो में जब हम भाग 6 शुरू करेंगे कल, तो हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 152 है जहाँ से राज्यपाल शुरू होते हैं। यहाँ पे खास बात ये है कि जो अपन ने 52 से लेकर 151 तक पढ़ा है ये ज़्यादातर चीज़ें रिपीट होगी, क्योंकि ये जो आर्टिकल में गैप है 90 से 99 आर्टिकल का, वो एज इट इज सेम चलेगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल इजीली राइट कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों, थैंक यू।